हे हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. आज हम दो पॉइंट्स करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. वी आर गोइंग टू कम्प्लीट इट टुडे. दिस वुड बी योर फोर्थ यूनिट ऑफ पेपर वन नेट एग्जामिनेशंस. अगर आप लोग नेट एग्जामिनेशंस दे रहे हैं तो उसमें फोर्थ यूनिट में ये चैप्टर आएगा. सो हम उसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं. इससे पहले दो वीडियोस में हमने किया, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन वी हैव डन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. टुडे वी आर गोइंग टू डू, यू कैन से, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोसेस. तो कम्युनिकेशन का अगर एक बार रिकैप लेना है आपको, तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स भी होता है. एंड कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग द सेम मैसेज विद द सेंस इट वॉज कैरिंग. मतलब जिस सेंस में मैं बोल रही थी, जिस सेंस में आप बोल रहे हैं, उसी सेंस में सामने वाले को समझ आना चाहिए, तब हम कम्युनिकेशन कम्प्लीट मानते हैं. सो कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ऐसी स्किल्स जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बेहतर होगी, और सामने वाले को आपकी बात उसी में समझ में आएगी जिसमें मैं आप समझाना चाहते हैं. कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर द सेट ऑफ स्किल्स जो आपकी कम्युनिकेशन को एनहैंस करने में या बेटर करने में काम आते हैं. तो दैट आर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल्स. तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि वो क्या, कौन से स्किल्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं. सो द फर्स्ट इज द लिसनिंग स्किल्स. लिसनिंग स्किल्स मींस, जैसे ये आई ट्राइड टू मेक दिस डायग्राम, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आई एम रियली सॉरी. दिस आई ट्राइड टू मेक, नोट्स नहीं होते अपने इसके म्यूजिक के, दे आर समथिंग लाइक दिस and then like this something. I tried to make that but वो नहीं हुआ. So just ignore this one. So listening skills means आप सुनने की कोशिश करें ज़्यादा, so that you can understand it well. कई बार क्या होता है, we just listen to respond, not to understand. उस टाइम पे क्या होता है, इन अ ग्रुप डिस्कशन और अ नॉर्मल डिस्कशन विद एनीबडी, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम ये सोचते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलता है, ओके इसकी ये बात होने दे, फिर मैं उसको ये बताता हूँ कि उसने ये गलत किया था. दैट इज रॉन्ग. तब आप सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे हो, और जो सुन रहे हो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिस्पॉन्डिंग थिंग्स, या ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिएक्शन आप उसकी बात सुन रहे हो, रादर दैन आप उसकी बात समझने के लिए नहीं सुन रहे हो. सो फर्स्ट इज इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, कि वो जो भी बोल रहा है अनबायस्ड माइंड से, अनपार्शल माइंड से एक बार शांति से पूरा सुने, उसके बाद अंडरस्टैंड करें. बिकॉज उस टाइम पे क्या, इफ यू आर लिसनिंग बाय अ पार्शल माइंड, आपका ध्यान कहीं और है, या आप कोई और इंटेंशन से सुन रहे हैं, तो सब पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा. सो लिसनिंग स्किल्स आर द फर्स्ट सेट ऑफ स्किल्स व्हिच यू नीड टू एक्वायर और अचीव. द सेकंड इज स्पीकिंग स्किल्स. कई बार क्या होता है, कुछ लोग घंटों घंटों बोलते रहते हैं, एंड यू लाइक टू लिसन टू दोज पीपल. यू आप सोचते हो कि यार थोड़ा और बोले, थोड़ा और मतलब समझ आए, समथिंग लाइक दैट. स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडियंस जब कॉमेडी करते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और सुनना है हमें. सो दैट इज स्पीकिंग स्किल्स. स्पीकिंग स्किल्स में क्या होता है, इट इंक्लूड्स योर पिच, वॉइस, टोन, एवरीथिंग. उसमें आपका फ्लो सब कुछ होता है. एंड स्पेशली स्पीकिंग स्किल्स उन लोगों को काम आती है जो स्टेज पर काम कर रहे हों, या जो लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हों. तो टीचर्स के लिए स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, और इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन, इफ़ यू आर ऑन अ स्टेज, इफ़ यू आर ऑन अ स्किट, उस टाइम पे स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्पीकिंग स्किल्स आपको, यू कैन से, आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी डिटरमाइन करती है, एज वेल एज कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ाऊँ एकदम नॉर्मल टोन में, धीरे से, बिना कोई इंटरेस्ट लिए, बिना कोई एंथुजियाज्म, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ एकदम धीरे से नॉर्मली, तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा. वेयर एज मैं कोई चीज़ दबाव देके बोलूँ, जैसे मैंने अभी बोला, राइट, थोड़ा जोर से बोलूँ, थोड़ा पॉज देके बोलूँ, या यू कैन से किसी भी वर्ड पे पर्टिकुलर स्ट्रेस दूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. वेयर एज यू आर ओनली लिसनिंग, मैं आपको कोई वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, इट इज़ जस्ट अ पेपर एंड यू आर पार्शली लिसनिंग टू माई लेक्चर, राइट. बट
वो बोलने के तरीके से भी सामने वाले को फर्क पड़ता है कि उसे कितना समझ में आता है. देर मे बी टीचर्स, देर मे बी पीपल जिनका लेक्चर सुन के आपको नींद आती है, यू डोंट इवन वॉन्ट टू लिसन टू देम. सो बिकॉज उनकी स्पीकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होंगी, उनको अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना होगा. सो दैट इज स्पीकिंग स्किल्स विच यू नीड टू एक्वायर सो दैट कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए. नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स आर मोस्टली यूज बाय राइटर्स, बाय नॉवलिस्ट, बाय पोएट्स, बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो. बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका जो पेपर होता है 10th 12th, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इट इज अ रिटन पेपर एंड यू नीड टू राइट इट डाउन एवरीथिंग. अभी जो नेट का एग्जामिनेशन तो उसमें राइटिंग स्किल्स नहीं देखी जाएंगी, रीजन बींग आपको सिर्फ चूज द करेक्ट आंसर्स है. सो दैट इज नथिंग रिलेटेड टू योर राइटिंग. सो राइटिंग स्किल्स कब काम आती है, वेन आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप किसी को लेटर लिख रहे हो, कोई मेमो भेज रहे हो, कोई आर्टिकल छपा रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, सो उस टाइम पर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. राइटिंग स्किल्स में अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी बोलने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, स्टोरी रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. सो आपकी राइटिंग जितनी इफेक्टिव होगी कम्युनिकेशन उतना अच्छा होगा. राइटिंग स्किल्स के लिए आपको दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वॉट एवर यू आर राइटिंग, एक तो वो क्लियर हो, लिजिबल हो. लिजिबल मीन्स समझ में आए, हैंड राइटिंग समझ में आए. देन इट शुड बी वेरी क्लियर, जो वर्ड्स यूज करो दैट शुड बी वेरी सिंपल सो दैट सामने वाले को समझ में आए. एंड कोई भी वर्ड एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए. एम्बिग्यूस मीन्स हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स. सो ऐसे सेंटेंसेस मत यूज़ कीजिए, ऐसे वर्ड्स मत यूज़ कीजिए जिससे सामने वाले को कन्फ्यूजन पैदा हो जाए. सो राइटिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. द लास्ट इज योर रीडिंग स्किल्स. रीडिंग स्किल्स इज रिलेटेड टू योर परसेप्शन एंड योर, यू कैन से द वर्ड इज इंटरप्रिटेशन, राइट. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मीन्स समझना. सो अगर सपोज एक सेंटेंस आपको दे दिया, अगर आप उसको समझ नहीं पाए तो आपकी रीडिंग स्किल्स में कमी है. आपको नए वर्ड्स की मीनिंग पता होने चाहिए, आपको ज़्यादा रेगुलर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आपको कोई भी वर्ड का मतलब निकालना आना चाहिए. कोई सेंटेंस, कई बार क्या होता है हम स्लैंग यूज़ करते हैं, स्लैंग मतलब मुहावरे. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको क्या पता नाचना जाने आंगन टेढ़ा. अभी किसी को पता ही नहीं होगा कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो सेंटेंस पढ़ ही नहीं पाएगा और उसको समझ ही नहीं आएगा. तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ स्लैंग. तो आपको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश, या पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस लैंग्वेज में ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए. तो आपकी रीडिंग स्किल्स जैसे जैसे इंप्रूव होगी वैसे वैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगा. सो दीज फोर आर द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स विच यू नीड टू एक्वायर सो दैट आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाए. सो दैट विल बी समराइज इन लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स. एंड इसके बाद हम जाते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी वेरी ईजी. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोल एंड चान मॉडल. ये स्पेशली नेट के बुक्स में दिया हुआ है, मैंने देखा है. सो ये जो मॉडल है इसमें सिर्फ 5 सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टेप्स है जिससे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा. कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होता है, आप कुछ बोलते हो, सोचते हो कि मैं किस तरह बोलूं, आपने वो बोल दिया या सामने वाले को कह दिया, सामने वाले सुन लिया, उसको समझ लिया और फिर रिप्लाई दिया. फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि जैसे दिवाली पे आपको ये करना है, राइट. सपोज जैसे मैंने बोला दिवाली पे सरप्राइज है, मैंने ऐसा बोल दिया. मैंने किसको बोला, आप लोगों को जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, राइट. फर्स्ट थिंग, आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर, एज सिंपल एज दैट. सेकेंड, मैंने कोई कंटेंट लिया, राइट. ये मेरा मैसेज है. मैसेज ये है कि दिवाली पे कुछ सरप्राइज है, फाइन. अभी ये मैंने किस थ्रू बोला, डिजिटल वे, राइट. मैं फेस टू फेस आपके सामने नहीं हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात, वो भी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश. तो कितने लोग समझ पाएंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, राइट. जो हिंदी समझते हैं, जो इंग्लिश समझते हैं. क्या तमिल वाला बंदा या जो मलयालम बोलता है वो ये बात समझ पाएगा? नॉट पॉसिबल, राइट. कौन डीकोड कर पाएगा इसको, जो हिंदी या इंग्लिश समझता है. आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज वो आ रहा है, आई गेस अभी बंद हो गया. ओके, फाइन. सो इसमें क्या हुआ, व्हाट डिड आई डू, आई डिड ओनली वन थिंग, आई गेव यू द मैसेज. अब आपको समझ आया, ओके मैम कुछ सरप्राइज देने वाली है. फिर आपने कमेंट में लिख के पूछा कि मैम क्या सरप्राइज, दैट इज अ फीडबैक, फाइन. सो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया. सो कोल एंड चान मॉडल के हिसाब से देर आर ओनली 5 स्टेप्स जिसमें आप कम्युनिकेशन पूरा कर सकते हो. सबसे पहले मैसेज, कि मैसेज क्या होगा मेरा, मैं डिसाइड करूंगी. मैसेज को एनकोड करूंगी, ट्रांसमिट करूंगी, मतलब भेज दूंगी. सामने वाला उसको डिकोड करेगा, इंटरप्रिटेशन निकालेगा, मतलब निकालेगा, और फीडबैक और वैल्यूएशन देगा. दीज आर द 5 स्टेप्स. बट अदर्स में जो एक सिस्टमैटिक मेथड होता है उसमें
सेवन स्टेप्स होते हैं और इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है. सेंडर इनकोडिंग मैसेज, रिसीवर डिकोडिंग फीडबैक और बीच में आप ट्रांसमिशन लगा दो, बस बात खत्म. सेंडर मैं सेंड कर रही हूँ मैसेज, उसको इनकोड कर रही हूँ एक प्रॉपर. अगर सपोज मैसेज बहुत लंबा है, 2-3 पेजेस का है, तो मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँगी तो उसको याद भी नहीं रहेगा. तो मैं क्या करूँ, बेटर है उसको PDF फॉर्मेट में बनाऊँ या लेटर में लिखूँ और उसे भेजूँ, राइट. तो इनकोड मीन्स किस तरीके से आपको भेजना है. इट कैन बी रिटन, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी ओरल, लाइक आप जिस तरह भेजना चाहें. सो सेंडर जो भी मैसेज सोचेगा उसको इनकोड करने का सोचेगा, फिर मैसेज बनाएगा. आइदर लेटर लिखेगा, टेक्स्ट लिखेगा, मेल करेगा, किसी को फ़ोन करके बात करेगा, वीडियो बनाएगा, ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, राइट. सो दैट इज़ द मैसेज विच यू आर गोइंग टू सेंड. मैसेज बना लिया, उसके बाद ट्रांसमिशन सामने वाले को दे दो, रिसीवर सामने वाला उसको रिसीव करेगा. डीकोड मतलब अगर वो लेटर है तो खोल के देखेगा, वीडियो है तो ओपन करके देखेगा, ऑडियो है तो सुनेगा, फ़ोन पे आप उसको कुछ बोल रहे हो तो कान लगा के सुनेगा. दिस इज़ डीकोडिंग, मतलब जिस मेथड में आपने दिया उस मेथड में वो उसको समझने की कोशिश करेगा कि सामने वाला बंदा बोलना क्या चाहता है. एंड लास्ट इज़ फीडबैक, जो भी उसको समझ में आया, जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो जब उसको देता है, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. वेर एज अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोल एंड चैन मॉडल में कितने स्टेप्स है, देन यू हैव टू राइट दीज 5 स्टेप्स, कि भाई हमारे 5 स्टेप्स हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज दिस इज़ प्योरली MCQ बेस्ड, इसमें और कुछ भी नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसमें जस्ट ये आने वाला है कि चूज द करेक्ट आंसर्स. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड फॉर ऑल द पर्सन आउट देयर जो भी ये वीडियोज देख रहे हैं, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो. अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैंशन कर सकते हैं. अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे प्लीज़ मैंशन कर सकते हैं. ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव में, आपको कुछ नहीं करना है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक सेंटेंस मिलेगा फॉर द नोट्स यूज्ड इन द वीडियो, प्लीज़ गो टू द लिंक एंड डाउनलोड. तो आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब खुलेगा, वो टैब होगा गूगल ड्राइव का और वहाँ पर नोट्स PDF में डाल रखे मैंने. बाई चांस आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई इट वंस बिकॉज I'm requesting you guys, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको मिल जाएगा. सो दैट आपका भी काम जल्दी हो जाए और मेरा भी काम कम हो, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज टेल मी. इसके अलावा आपको आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और इससे रिलेटेड और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है और उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, तो आप इसके पहले के वीडियोज़ और बाद के वीडियोज़ भी देख सकते हैं. एंड एज वेल एज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ चेक आउट माई होल चैनल, और आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आ सकता है, आपको इसके रेगुलर वीडियोज़ देखने, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सो टेक केयर, बाय बाय.